भूषण सम्मान समारोह में मृत्यु के मामले की जांच कर दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग राकंपा ने की है। राकंपा के शहर अध्यक्ष दिनेश्वर पेठी ने कहा है कि आयोजन की जिम्मेदारी संभालने वालों की जांच कर दोषियों पर हत्या का प्रकरण दर्ज किया जाए। ऐसी मांग गुरुवार को पत्रकार वार्ता में पेठी ने की है। गुरुवार को पत्रकार वार्ता में पेठी ने कहा कि महाराष्ट्र भूषण सम्मान समारोह का आयोजन सरकारी था। उस कार्यक्रम के लिए उपस्थितों की संख्या, बैठक व्यवस्था, पीने के पानी की व्यवस्था करना आवश्यक था। धूप से बचने के लिए पंडाल की व्यवस्था किया जाना था। नियम अनुसार कोई भी कार्यक्रम आयोजन करने पर पुलिस की अनुमति के लिए विविध नियमों का पालन करना पड़ता है, लेकिन इस कार्यक्रम में नियमों का पालन नहीं किया गया। पिछले 16 तारीख को 16 अप्रैल को जिस प्रकार से महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार देने के टाइम में जो घटनाएं हुई, जो 15 से अधिक जो लोग जो श्री सेवक है वो मृत जो वहाँ पे डेथ हो गई उनकी वाली, उस विषय में आए हैं हम लोग। हमें यह लगता है कि जिस प्रकार से जो आयोजन हुआ वो आयोजन बहुत ही गलत तरीके से हुआ। वहाँ पे वो लाखों के संख्या में वहाँ पे श्री सेवक आए, वो श्री सेवक की किसी भी प्रकार की व्यवस्था नहीं थी। सरकारी खर्चे पे वो कार्यक्रम हो रहा था, लेकिन पानी की व्यवस्था भी वहाँ पे नहीं थी। वहाँ पे 38 डिग्री से लेके तो 40 डिग्री तक के वहाँ पे टेम्परेचर था। उस टेम्परेचर में 6 से 7 घंटे ये वहाँ के लोगों को बिठाया गया, और वहाँ पे देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, मुख्यमंत्री शिंदे जी और उप मुख्यमंत्री वहाँ पे सब होने के बावजूद भी किसी भी प्रकार की वहाँ पे दया तक के दिखाई नहीं गई। और वहाँ के और दूसरे दिन भी ऐसी कोई घटना हुई नहीं, ये बोल के उसको टाला गया। आज उस बात को 12-13 दिन होने के बावजूद भी किसी भी प्रकार से वहाँ पे उन लोगों के लिए किसी भी प्रकार की व्यवस्था, उनके नातलगों को, रिलेशंस वाले को किसी भी प्रकार की व्यवस्था नहीं की गई, ना कि जिन जो अधिकारियों के वजह से इतने लोगों की डेथ हुई उसके ऊपर किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई। वो कार्रवाई होना चाहिए, इसलिए हम यहाँ पे आज पत्रकार परिषद ले रहे हैं। कार्यक्रम में 15 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व अन्य मंत्री विधायकों की उपस्थिति में इस तरह की घटना होना हृदय विदारक है। पत्रकार वार्ता में शेखर सावरबांधे, अविनाश गोतमारे, प्रशांत पवार, श्रीकांत सावरकर, नूतन रेवतकर, संतोष सिंह, महेंद्र भांगे, राजा बेग, शैलेंद्र तिवारी, देवेंद्र घड़ले सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित थे। कैमरा पर्सन अजीत कुंवर के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज नागपुर।